ठोक के कह रहा हूँ, इस न्यूज के जरिए कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, अब की बार 400 पार लाएगा मेरा मोदी। भजनलाल जी बीजेपी के कैंडिडेट है, वो पर्ची वाली सरकार है, भजनलाल पर्ची वाली सरकार है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि कांग्रेस जो समर्थक है वो लगातार मान रहे हैं कि पिता सिंह केजरीवाल यहाँ से आ रहे हैं। सर अगर उनमें इतनी काबिलियत होती है, वो जनता के प्रति समर्पित होते हैं, तो विधानसभा चुनाव हारते क्या सर? आप कह रहे हो बाबाओं को लाए, बाबा अगर यूपी में नहीं आता तो यूपी में कोई बहन बेटी 8 बजे भी निकल सकती थी क्या? राजस्थान में लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है, रणभाकुरी बच चुकी है, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति यह है कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियां ऐसी हैं जो लगातार अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ रही हैं और जो मतदाता हैं वो कन्फ्यूज हैं कि इस बार बीजेपी आएगी सरकार या फिर आएगी कांग्रेस की। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि अगर बीजेपी लगातार मोदी के चुनाव चेहरे पे चुनाव लड़ रही है तो ये इसकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इस बार मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए कड़ी की साबित होने वाली है। कांग्रेस भी कम नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल सांगनेर में खड़े हम और तमाम जो पब्लिक है, जनता जनार्दन है, वो मेरे सामने खड़े हैं। ऐसा फैक्ट्स एक एरिया है जो सबसे बड़ा एरिया होता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे एरिया होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो जनता जनार्दन है वो भी अपना अपना मत रखेगी। हाल फिलहाल जो सांगनेर है, मानसरोवर है, वहाँ पे हम खड़े हैं। आप पूछते हैं कुछ बात करता हूँ सर, किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी दावे कर रही है और कांग्रेस दावे कर रही है, कितनी चिटानी चाहिए? सर राजस्थान में अगर देखें तो जो पिछले बार 25 आई थी, इस बार 25 का तो लग नहीं रहा, क्योंकि हर बार जो इलेक्शन की जो कैलकुलेशन होती है, जो गांव लेवल पर होती है, पंचायत लेवल पर होती है, वो इस बार थोड़ा सा परिवर्तन है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस सपोर्ट में थी, पावर में थी, जिस टाइम लोकसभा चुनाव हुए 2019 में, इस बार पावर में नहीं है, तो कुछ जो गांवों की जनता है वो कांग्रेस के प्रति रुझान में है, जो बीजेपी में नहीं है। 25 में से जहाँ तक मेरे को लगता है, एक मतदाता होने के नाते मैं मान के चलता हूँ, 18 से 22 सीटें बीजेपी है जो आराम से कवर करेगी। 2-3 सीटों पर जो किंतु परंतु चल रहा है उसका मैं, वो 2-3 सीटें कौन सी हैं जिन पे किंतु परंतु चल रहा है? मेरे हिसाब से एक तो चुरू विधानसभा, क्या लगता है आपको? चुरू में क्या लगता है? चुरू में जिस हिसाब से पिछली बार जो विनिंग कैंडिडेट थे उनका, आपके पास भी आऊंगा मैं, उनका जो सीट परिवर्तन किए वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, तो वहां पे लगता है कि मेरे को ये सीट थोड़ा सा फंस सकती है बीजेपी। दूसरी बताइए, दूसरी बाड़मेर लगती है। बाड़मेर कौन है? बाड़मेर का मेरे को शायद तक लगता है18 से 22 का है टारगेट, जो आप 4 जून को आपको पता चल जाएगा, 18 से 22 सीटें 100% बीजेपी कवर करेगी राजस्थान। 4 सीटें तो फिक्स है, एक उम्मीदवार बेनीवाल बाड़मेर सीट, एक जयपुर ग्रामीण अनिल चोपड़ा, एक चुरू की राहुल कस्वा, एक हनुमान बेनीवाल की खुद की सीट आएगी, जो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनीष चौधरी। मनीष जी, लगता है कि आपने ग्रामीण का नाम ले लिया, शहरी का नाम लिया, काफी खतरा हार रहे हो सकता है? आप मानते हो कि प्रताप सिंह? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि कांग्रेस जो समर्थक है वो लगातार मान रहे हैं कि प्रताप सिंह केजरीवाल यहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि आगे बात करते हैं। क्या लगता है सर आपको चुनाव का रुझान? जैसे ये कह रहे हैं ना, अब की बार मोदी 400 पार, पर इस बार मेरे को लगता नहीं, पर इस बार मेरे को लगता नहीं है कि मोदी 400 पार हो पाएंगे, क्योंकि हमेशा बीजेपी का प्रोपोगंडा यही रहा है कि हमेशा मोदी के चेहरे पे वोट लड़ेंगे, विधानसभा नहीं लड़ रहे हैं, तो आप देश की प्रगति हो रही है ना, तो आप दिक्कत है कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम क्यों नहीं ले रहे? आपके पास कौन से कैंडिडेट है? आपके पास कौन से चेहरे का नाम क्यों नहीं ले रहे? इंडिया गठबंधन का कौन कैंडिडेट है? कौन आज कह रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन पावर में आता है तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे? आप कोई है नहीं उनके पास। आप इलेक्शन में मैनिफेस्टो देखो, जैसे कोई चाहे वो प्रोपेगेंडा दे, आप इसका देखो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखो, उसने किसानों के लिए, गरीबों के लिए सब कुछ किया है कांग्रेस सरकार ने, बीजेपी ने क्या किया बताओ? किसानों का, गरीबों का मानता हूँ कि ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ ये देखिए ना, देश ने कितना ग्रोथ किया है किसानों 10 सालों में देश ने। सर आप अपने दिल पे हाथ रखिए और आप बताइए, आप किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, आप मीडिया से, आपका काम है सच दिखाना,
सच के नाते आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएंगे कि बीजेपी शासन में और कांग्रेस के शासन में कितना फर्क है, 10 साल में देश ने कितनी ग्रोथ की है, कितना सब कुछ हुआ है। पहले जब 2014 में मनमोहन जी देश छोड़ के अपनी पावर छोड़ के गए थे तो देश की आर्थिक इकोनॉमी कौन से स्टेज पे थी, और आज 2024 में मैं भी एक किसान फैमिली से आता हूँ। बीजेपी एक पूंजीवादी पार्टी जो बड़े बड़े लोगों का भला कर रही है, उद्योगपतियों का, उनका भला कर रही है। बड़े बड़े लोग मैं समझ नहीं पाया, बड़े लोग अडानी हो गए सारे के सारे। जब सुप्रिया पूछा गया कि आपके अभी उन्होंने अडानी ने वहाँ पे तेलंगाना में लिया है, तब उन्होंने जवाब ही नहीं दिया सवाल। सारी सरकारी आप राजस्थान में इन्वेस्ट करते हैं तब अशोक गहलोत अडानी के समर्थन का काम है अपना बिजनेस बढ़ाना। अगर मार्केट में बिजनेस बढ़ेगा तभी तो मार्केट में पैसा। सरकारी डिपार्टमेंट स्टार्टअप कितने थे, उदयपुर जाओगे 12 स्टेशन पे काम चल रहा है, क्या बात कर रहे हो यार, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करो आप सारा। बीजेपी सरकार ने काम किया है तो सिर्फ नितिन गडकरी ने किया है, जो कि रोड के मामले में बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी देखो आप इंडिया की, एक तरफा ही होगा। और कौन सी नीतियां तो बीजेपी की बता दो भाई है मेरा, लेकिन इसकी सोच अलग है, मेरी सोच है वो देश के प्रति है, इसकी सोच है वो प्रति पार्टी के प्रति है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश आगे बढ़े, देश की वैल्यू हो हर जगह। आज हम कहीं पे भी जाते हैं, अगर हम कहते हैं ना हम इंडिया से है तो बहुत रिस्पेक्ट होती है, आपको पता है। पहले सर, 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 आपका नाम बता दीजिए। राहुल यादव। राहुल जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि जनता कह रही है कि मोदी ने आने के बाद सब कुछ बेच दिया, बहुत एयरपोर्ट ही करे, कहाँ बेच दिया सर, कहाँ बेच, प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, तो वो किस लिए दिया है, ताकि आपको सुविधाएं। एयरपोर्ट पे पानी की बोतल 50 रुपए की हो गई है सर, वो देखो वो चीज है वो वहाँ पे मिलेगी, बाकी एयरपोर्ट आप सुविधा लेना चाहते हैं। सस्ता ही पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड का भी तो देखो आप, सब जगह कोविड के बाद रिसेशन आ रहा है, इंडिया की इकोनॉमी अभी भी ग्रो कर रही है, लास्ट क्वार्टर की देखो 8.6 से ग्रो की है। अच्छा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय भी अच्छी ग्रोथ थी, ग्रोथ थी कौन से आदि थे, ग्रोथ थी मनमोहन सर कहाँ पे आप बताइए, मनमोहन की सरकार थी, मनमोहन की सरकार थी, तब आप जीडीपी देखो, तब सारे आंकड़े देखो आप बाई रोड दिल्ली जाते थे, आपको कितना टाइम लगता था, कितना आप कंफर्टेबल जाते थे। हमारे साथ क्या नाम आपका, सौरभ कहाँ से है आप, जयपुर से, लगातार कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों साथ में मेरे साथ में है, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, कम से कम राजस्थान में 8 से 10 सीट आएगी, चार की आंकड़ा लगा रहे हैं पब्लिक, 10 सीट कौन कौन सीटें हैं, 10 सीट बाड़मेर, सीकर, चूरू, जयपुर ग्रामीण, मतलब आप ही मानते हो कि जयपुर शहर में तो 50 रुपए तो जीतने वाला नहीं, मुश्किल है, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि दो बंदों से हमने बात की, दो कैंडिडेट ऐसे हैं बीजेपी के जिन्होंने साफ मना किया है कि बीजेपी सॉरी कांग्रेस जो है ग्रामीण शहरी क्षेत्र से जीत दिखाई, प्रताप सिंह गाजियाबाद के जो प्रत्याशी है उनको जबरन टिकट देकर बुलाया, लेकिन लगातार हमारे दो पार्टियां बनी हुई है, हम उनसे बात करते हैं एक बार, क्या कहेंगे आगे सर, आपने आप क्या कहेंगे, इशारा मत कीजिए, आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, प्रताप जी की बात में जवाब देता हूँ सर, अगर उनमें इतनी काबिलियत होती है, वो जनता के प्रति समर्पित होते हैं, तो विधानसभा चुनाव हारते क्या सर, आप इस बात का जवाब दीजिए, वो भी खुद के क्षेत्र से, खुद के क्षेत्र से वो अपना विधानसभा का चुनाव हारे हैं, कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, तब उन्होंने वापस प्रताप जी को उतारा है लोकसभा चुनाव के लिए। आप ये बताइए जो इंसान कितना टफ होता है, अगर विधानसभा हार के लोकसभा में आए, मैंडेट आपका बढ़ेगा, मतदाता बढ़ रहे हैं, लेकिन एरिया तो सर वही है ना, आपने कहा कि विधानसभा चुनाव हार गए हैं प्रताप सिंह गाजियाबाद, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि चूरू में आपके राजेंद्र सिंह राठौड़ बीजेपी से चुनाव हार चुके हैं, फिर आप कैसे मानते हैं, यही बता रहा हूँ कि जो कैंडिडेट पिछली बार जीत के आया था बीजेपी से उसका सीट कटा है, उन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए हैं, उन्होंने अच्छे काम किए तो उनके जीतने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि तो जो इंसान आज काम करता है, आप ये मानते हैं कि चुनाव में सरकार जो सीट आएगी वो कांग्रेस की आएगी, मैं मानता हूँ, क्योंकि इंसान ने अपने लेवल पे चुनाव जीता था,
चुनाव जीता था, मतलब उसने कुछ अच्छे काम किए थे तभी जीता था ना, तो वापस उसका विनिंग परसेंटेज तो ज्यादा हो ही गया ना इस बार भी। वो चीज मैं मान रहा हूँ, वो चीज मैं एग्री भी कर रहा हूँ कि 18 से 22 सीटें हैं और इस बारे में ज्यादा रोशनी हमारे भाई साहब भी डाल देंगे। सर आप नेशनल सिक्योरिटी पे बात करो ना, 2014 से पहले कितने बॉम्ब ब्लास्ट हो गए थे, 2014 के बाद कितने हुए, अपनी सीमा सुरक्षा का आरोप है कि बाबाजियों को और पाखंडियों को मोदी सरकार ने बना दी है। माहौल सुधारने के लिए तो संतों को आगे लाना पड़ेगा ना, माहौल सुधारने हमारा धर्म मजबूत। आप कह रहे हो बाबाओं को लाए, बाबा अगर यूपी में नहीं आता तो यूपी में कोई बहन बेटी 8 बजे भी निकल सकती थी क्या? आज चोड़े में 11-12 बजे गहने पहन के घूमती गई शादी में आना जाना भी आसाराम भी बाबा था। कर्म उसके कर्म उसको ले डूबे, इस बाबा को तो ऊपर नहीं रखा जो जैसा अगर, 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 अगर किसी बाबा जी का खुलासा होता तो क्या करेंगे आप? किसी बीजेपी पार्टी नहीं, क्यों खुलासा होगा? अगर वो आदमी गलत होगा तो उसका खुलासा होगा, जो आदमी गलत होगा उसका खुलासा होगा। आदमी अगर पॉजिटिव उसका खुलासा होगा। जिस आदमी ने 6 साल में अपना घर छोड़ दिया, जिस आदमी ने 10 साल में अपना घर छोड़ दिया, ना उसके बहन की ना भाई की ना किसी की परवाह है, तो वो क्या गलत करेगा बताओ? आप अपेक्षा करते हो गलत करने की? या तो आप गुंडों के साथ हो, ठीक है ना, गुंडों से अपेक्षा करते हो, गुंडा और मेरी बात सुनो, मैं तो छाती ठोक के कह रहा हूँ, इस न्यूज के जरिए कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, अब की बार 400 पार लाएगा मेरा मोदी। जनता ये भी कह रही है, बात करें सिकौड़ी अंचल की बात कर लें, सीकर की बात कर लें, तो जनता ये भी कह रही है कि अखाड़ा बोल का कहीं कौन है आशी और ढंगसू आशी वो थाने भी 4 तारीख ने पदों पड़ जासी थाने न्यूज वाला ने और सारा नहीं पता पड़ जासी 4 तारीख ने। ये चीज कांग्रेस को भी पता कि होना क्या है 4 तारीख को, अपने मन को दिलासा देना अलग बात है और सच्चाई को स्वीकार करना दूसरी बात है। कांग्रेस अपने मन को दिलासा दे रही है और पूरा इंडिया गठबंधन को दिलासा दे रहा है, उनको पता है। चाणक्य ने एक बात कही थी, सारे चोर एक साथ हो जाए, और मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ईमानदार है, राजा ईमानदार है, प्रजा जागरूक है, प्रजा को पता है कि हमारा राजा कैसा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर आप मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी डर है कि प्राइवेट सेक्टर में सारे मामले दे देंगे। सर मोदी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं देश को सपोर्ट कर रहा हूँ, देश मोदी को सपोर्ट कर रहा है, तभी मोदी और देश दोनों आगे बढ़ रहे हैं। और प्राइवेट की जहां तक आप बात कर रहे हो, अगर आपको किसी चीज की सुविधा लेनी है तो आपको सर थोड़ा सा पैसा तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। देखिए 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 सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी होता है कि मोदी ने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने अच्छे काम के लिए दिया, लेकिन आज महंगाई है। बात करें एयरपोर्ट की, बात करें अडानी अंबानी का भी कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है, तो क्या नाटक सताई है? महंगाई है तो तनख्वाह नहीं बढ़ी है, तनख्वाह उनकी बड़ी है। आपके घर की कीमत अगर 22 लाख की है तो वो 50 लाख नहीं हुई है, खाली एक ही तरफ से महंगाई बढ़ी है कि आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, इंसेंटिव नहीं बढ़े, नौकरियां नहीं बढ़ी है, सर नहीं बढ़ा, खाली महंगाई बढ़ी है, खाली महंगाई बढ़ी है क्या? सारा कोई नौकरी करने ही नहीं जाएगा तो वो आरोप लगाएगा कि सरकार बेरोजगार कर दिया। मैं जाओ घर से निकलो करो तो मिलेगा ना भाई साहब, घर बैठे बैठे कोर्ट दे जाता है, किसी देश में एक है घर बैठे बैठे। आपका नाम बता दीजिए। सुनना, मेरा नाम छोटू चाय वाला, छोटू चाय वाला जी, सॉरी जो भी नाम आपका, छोटू चाय वाला जी बोलूंगा आपको। एक सवाल अरे सुनो, बात सुनिए सौरभ जी, बात सुनिए, भजनलाल सरकार सत्ता में है? हाँ है। कौन है भजनलाल सरकार? भजनलाल बीजेपी सरकार है, भजनलाल सरकार। अब आप इसको मैं गलत पूछी, मतलब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, भजनलाल कौन है? भजनलाल जी बीजेपी के कैंडिडेट है, वो पर्ची वाली सरकार है, भजनलाल पर्ची वाली सरकार है। पर्ची में निकले हुए, दिल्ली में पर्ची में निकले, दिल्ली से आई पर्ची में निकल गए। देखो मेरी बात सुनो, हाईकमान है, उनको जो जस्ता है जैसे करेंगे, वो देश चला रहे हैं तो एक मुख्यमंत्री तो चलेगा ना मुख्यमंत्री तो बनाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। मोदी जी को भी अटल बिहारी जी ने पहली बार तो ऐसे भेजा था गुजरात में, गुजरात में आए थे ना, और भजनलाल जी आएगा तो क्या हुआ? चला तो रहे ना, काम तो कर रहे ना, काम नहीं कर रहे? 5 काम,
पांच काम बताओ पेट्रोल ही हो गया और लगातार दावे कर रहे थे लेकिन हाल क्या पांच काम पूछे हमसे लेकिन ये ठग रहे हैं। अब हाल फिलहाल छोटू जी चाय वाले से हम पूछते दोबारा पूछते हैं बात सुनिए सौरभ जी सौरभ जी हम डिस्कस कर रहे हैं आप बात देखिए ठीक है आप पांच काम भैया बताओ एक तो सिलेंडर कितने का हो गया 450 रुपए का कितने जनों को मिला है बात तो मोदी का था मिल रहा है ना कितने जनों को नहीं मिले लोगों को बीपीएल को बीपीएल को आप कितने जनों को मिल रहा है हाथ ऊपर करवाओ हाथ ऊपर करवा के पूछो हाथ ऊपर करवाओ एक अच्छा से एक मिनट में बताओ जो वीआईपी सिस्टम था पहले सरकार का वीआईपी सिस्टम था आप कहीं जाते थे बीवी बच्चों को लेकर मोटरसाइकिल बैठ रहे थे वो सिस्टम खत्म हो गया 32 सबके लिए उनके ठीक है अब इसमें मैं बात करूंगा आपकी लेकिन हाल फिलहाल स्थिति वो की वो है जैसी तैसा है कि वही वीआईपी सिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी आए थे उससे 10 दिन पहले ही बदलना सरकार ने ये आदेश जारी किया था कि कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा और जनता परेशानी होगी लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आए पब्लिक को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा जाम का। सर वो पीएम है आप ये भी तो बात वीआईपी मूवमेंट की पीएम सेम की नहीं हो रही पीएम है उसकी प्रदर्शन की सोचा के लिए वो पीएम है आप ये कह लो अब आप एक 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 छोटी आप तो ये कहोगे यार उसकी दाढ़ी से एक बाल भी नहीं हिलता तो पीएम है कैमरे के सामने बैठे गए वेल सेट होकर बैठे गए ना वो पीएम है फिर उसकी क्या हम बात दाढ़ी के बाल मैं भी बात ये कर रहे हैं आपने जो कहा कैमरे के सामने वो ये कहा कि कहीं ना कहीं आपने ये कहा कि पीएम जो है वो लगातार सबके सवाल हर आपके जो आंसर है पांच कामों के सवाल होंगे बताइए पांच काम बताइए पहला ERCP आ गई ठीक है कांग्रेस बार दावे थी लगातार दावे कर रही थी सेंटर में बीजेपी थी कांग्रेस कांग्रेस ये कह रही है कि सेंटर में बीजेपी है इसलिए 2014 से पहले कौन था सेंटर उसमें काम नहीं मिला था ERCP बात का है वो सुंदरा का बात सुनिए बात सुनिए सुंदरा किसकी है बीजेपी फिर बाद का प्रोजेक्ट है 2014 के बाद का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ये लेट ला रहे हैं 1972 से लेके आज 2024 आ गया राजीव गांधी इंदिरा गांधी नाम बता दीजिए अपना नाम दिनेश यादव ला रहे मोदी जी ने आके इम्प्लीमेंट करा उसमें आप ये बात कि उन्होंने चलो 2 करोड़ उन्होंने वो फ्लैट दे दिए होंगे गरीब लोगों को ये भैया बोल रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिला मैं बीपीएल में आता नहीं हूँ तो मेरे को 450 में लेके मैं क्या कर लूंगा सिलेंडर का बीपीएल में 450 में सिलेंडर मिल रहा है आप जाके बीपीएल में हो आप लेके आओ सिलेंडर ERCP जो पूरा ईस्टर्न राजस्थान कब से पानी के लिए परेशान हो रहा था इन्होंने योजना लाए 2014 से पहले अगर मान लिया कि इनकी सरकार नहीं थी 2018 से 23 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यहाँ पे राजस्थान में योजना बनाते वो रिजेक्ट करते तो उनपे बात आती योजना ही नहीं बनी बात आई है सीएम गहलोत ने लगातार प्रपोजल भेजे हैं मोदी को लेकिन मोदी ने एक्सेप्ट नहीं किया और लगातार दावे भी हुए हैं मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूँ लेकिन मैं आपके आप मेरे को ये बताओ आपका घर है ठीक है आपका घर है आपके घर में मैं आके रेंट पे रहने लगूं मैं आपको बोलूं कि भैया नहीं आप मेरे को रेंट दो पानी मैं गुजरात से ला रहा हूं पंजाब से ला रहा हूं और मैं उनको बोल रहा हूं कि ज्यादा मात्रा में पानी मुझे चाहिए तो वो रिजेक्ट नहीं होगी तो क्या होगा उसमें ठीक है तीसरा काम बताइए गाँव में गेहूँ मिल रहे हैं फ्री में
तो हम पहले मिल रहे थे, नहीं अभी मिल रहे हैं। अभी आप बोल रहे हो कि ईडीसी जो सीबीआई वाला मुद्दा चल रहा है, आप मुझे बताओ कि अगर मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ तो मुझे डर किस चीज का है? आप एक बार बात कर लो, आप इधर जो बाड़मेर में कर रहे हैं, जो गहलोत जी के परिवार पे, राजेंद्र गहलोत पे, इन सब पे जो हुआ, अगर मैं भ्रष्टाचार नहीं कर रहा तो मुझे क्या दिक्कत है? ठीक है ठीक है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आपने नाम दिया केजरीवाल का, नाम दिया केजरीवाल जेल में, ना तो मोदी ने डाला ना शाह ने डाला, कोर्ट ने आदेश दिया वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करी तभी तो वो जेल में गए। और भाई सुप्रीम कोर्ट उनके लिए ओपन है, मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट रात में 12 बजे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं ईडी को कि तुरंत प्रूफ पेश करे, लगातार आप रिमांड मांग रहे हैं लेकिन प्रूफ पेश अभी तक नहीं हुए, क्या कहेंगे आप? मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर, हाई कोर्ट में गए थे बेल एप्लीकेशन लेके, आइए सामने आइए कैमरे के सामने आइए, पॉलिटिकल प्रेशर है आप सही कहते हैं, क्या कहेंगे? पॉलिटिकल प्रेशर है, दुखी आप? बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर। कैसे कैसे? और क्या है, कल को केजरीवाल बीजेपी में शामिल हो जाएगा तो भ्रष्टाचार से बच ही जाएगा। बोलो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे बोलो? कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं इन्होंने छगन भुजबल का नाम, कल को बीजेपी में शामिल हो जाएगा तो भ्रष्टाचार से बरी है केजरीवाल, छगन भुजबल इंडिया गठबंधन पे आने पे तो गिरफ्तार हुआ था। अरे छगन भुजबल बरी हो गया, अजीत पवार हो गया, आप मुझे बताओ ना बरी कौन हुआ? सारी फाइलें बंद हो गई, किसकी फरी होगी? अभी अजीत पवार, छगन भुजबल, सबकी हेमंता बिस्वा शर्मा, सबकी फाइलें बंद है, सबकी फाइलें बंद है, कब की ऐसी नहीं मिल रहे उनके। उन्होंने निकाली है बीजेपी ने, खुद निकाली है। केजरीवाल को जेल में रखने का आदेश कोर्ट ने दिया। यादव जी सबसे बड़ा सवाल यहां पे, केजरीवाल जनता के जनादेश से मुख्यमंत्री बना है, उन्होंने हटा दिया, दिल्ली की जनता ने तीन बार चुना है, तीन बार उन्होंने हटा दिया, किसने? जूता भी उन्होंने मारे थे, तीन बार चुना है दिल्ली, उन्होंने हटा दिया। जिन्होंने 70 मेरी बात सुनो, 70 से 67 सीट दी है, 63 आज तक हिंदुस्तान की जनता में इतना बड़ा जनादेश किसने मिला? 303 किसने दी थी? 303 543 में कितना परसेंट होता है? आप ये देखो परसेंट कितना परसेंट होता है, बीजेपी कंटेस्ट कितना परसेंट होता है, बीजेपी ने कंटेस्ट 373 पे करा था, 90% या कल को बीजेपी, केजरीवाल जी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे ना? केजरीवाल क्या जितने भी आम आदमी पार्टी के सारे बाहर है, कल को ऐसा होगा वैसा होगा, मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, कल को ऐसा होगा फ्यूचर सारे भ्रष्टाचारियों का तो बीजेपी में शामिल करा लिया, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो, कोई बचेगा एक भी? सारे बीजेपी में शामिल हो गए, सारे के सारे टोटल बीजेपी में शामिल हो गए, सारे के सारे सीएम को क्या पोजीशन पे सीएम को डालना अंदर डालना सही तो वो जेल जाएगा, चाहे से कल को अगर कोई बीजेपी का मिनिस्टर भी कर रहा है तो वो भी जाएगा। 95% ईडी सीबीआई के वो जो केस लगे हैं वो सारे के सारे विपक्ष पे लगे हैं मोदी के आने के बाद 14 से और अभी तक 95% आरोप। तो क्या बीजेपी के जितने भी अलायंस है और बीजेपी है पूरी नहीं, बीजेपी और बीजेपी के अलायंस सारे डूब के चले हैं मेरे बाप। आप मुझे बताओ छगन भुजबल पे केस किसने किया? छगन भुजबल को छोड़ो, मैं तो ये बोल रहा हूँ 95% ईडी सीबीआई के किया था। लालू जी के केस किसके टाइम हुआ? यूपीए गवर्नमेंट तो लालू जी पे केस हुआ है तो लालू जी पे कार्रवाई भी उस हिसाब से हुई है ना। मोदी जी को आप बताओ कि अगर कोई मान लो कि भ्रष्टाचार का आरोप आप पे लग गया, आपको देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि बीजेपी के लीडर जो हैं लगातार यहाँ पे दावे तो करते हैं लेकिन वो सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं। और देखिए ये कैंडिडेट ऐसे हैं जो भग रहे हैं कैमरा के सामने, आप ये निर्दलीय हैं, हमें ये मानने हैं क्योंकि लगातार जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं। लगातार ये टीम जो है वो बीजेपी से थी लेकिन हाल फिलहाल इन्होंने अच्छा सपोर्ट किया, अच्छा काम किया लेकिन इनके दिमाग में बीयर बसी हुई है और वो बीयर के लिए बार बार नाम ले रहे, बीयर का नाम ले रहे। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि यहाँ पे हाल फिलहाल मानसून में खड़े हैं SFX मॉल के सामने जहाँ पे पब्लिक लगातार हमारे साथ मौजूद है, बात करें बीजेपी की, बात करें कांग्रेस की, कहीं ना कहीं अब जो
बीजेपी के है वो ऊपर सामने आ रही है। अब देखते वाली बात ये होगी बीजेपी या कांग्रेस में दोनों कौन सी बाजी मारता है। कांग्रेस ने जयपुर शहर से प्रताप सिंह खाचरियावास को हरावा मान लिया है, लेकिन कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्र से जयपुर ग्रामीण से हरावा नहीं माना और अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अब देखने वाली बात कौन सी जीतता है या फिर रहता है। संयुक्त कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, नगरी मीडिया जयपुर।